ओके, दो नेकबैंड का आज कंपैरिजन होने वाला है। एक है बोट रॉकेज 330 ANC, एक है यहाँ पे नॉइस एक्सट्रीम। दोनों नेकबैंड का प्राइस सेम होने वाला है बट फीचर काफी अलग अलग है, तो मैंने सोचा इस दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जब प्राइस सेम होता है और दोनों टॉप ब्रांड की तरफ से आते हैं तो आपको इस दोनों में से कौन सा लेना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है। मेन हमने यहाँ पे साउंड को प्रायोरिटी रखा है, सेकेंड बैटरी लाइफ अच्छा होना चाहिए, थर्ड बिल्ड डिजाइन, इसके बाद फोर्थ स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। अगर हम रनिंग वगैरह करते हैं तो कान में से गिरता तो नहीं है, या लॉन्ग टर्म के लिए हम कितना देर के लिए पहन सकते हैं नेकबैंड को। और आफ्टर दैट हम यहाँ पे माइक क्वालिटी टेस्ट भी करेंगे, जिसपे आपको एक्चुअल अंदाजा लग जाएगा कि इसका माइक क्वालिटी कितना अच्छा होने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट ही तो गाइस, किसी भी ऑडियो डिवाइस का जो साउंड होता है ये मेन प्रायोरिटी होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साउंड एक्सपीरियंस आपको कराना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ आप ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, ताकि आप एक्चुअल यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस कर पाओ। यहाँ मैं एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ 70-80% वॉल्यूम पे, और गाइस आप यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस करो। ओके, I'm a lonely soul, you love me. I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe? आई होप गाइस यहाँ पर जो मैंने आपको म्यूजिक सुनाया आपको एक्चुअल अंदाजा लग गया होगा कि इस दोनों का साउंड कैसा होने वाला है। बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो बोट का साउंड है, सबसे पहले इसका बात करते हैं, तो यहाँ पे जो बेस है इसे मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे ग्रेट है, बेस काफी तगड़ा है। यहाँ पे जो मिड हाई जो इंस्ट्रूमेंट का साउंड होता है ये मैं बोलना चाहूंगा एवरेज टाइप है। बट यहाँ पे आपको एक और भी फीचर देखने को मिलता है जिसमें आप इसे ट्यून कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्रिस्टल बायोनिक साउंड, जो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको सुनने को मिल जाता है। बट फिर भी मुझे मिड और हाई थोड़ा सा एवरेज टाइप ही लगा है। और इसके बाद वॉल्यूम का बात करूं तो वॉल्यूम आप 80% रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे नॉइस का साउंड का, तो यहाँ पे जो नॉइस का साउंड है ये भी आपको मैंने सुना दिया। यहाँ पे जो इसका बेस है ये ग्रेट है, और जो मिड और हाई है ये मुझे यहाँ पे गुड कंडीशन में लगा है। थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकता था, बट फिर भी यहाँ पे जो प्राइस है और जो साउंड क्वालिटी है प्रोवाइड किया है नॉइस में, ये एज कम्पेयर टू बोट से अच्छा है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा वॉल्यूम का, तो 80% वॉल्यूम पे आराम से सुनो, आपको सॉन्ग काफी अच्छा सुनाई देगा। अब गाइस बोट में एक चीज एक्स्ट्रा दिया गया है, इसके साउंड में आपको ANC भी देखने को मिलता है, 25 डेसिबल तक का आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे ज्यादा बेटर तो नहीं लगा है बट एवरेज टाइप आपको सुनने को मिल जाएगा, तो इस बजट में ANC आपको देखने को मिलता है, तो ये इसका एक एड ऑन पार्ट है। तो गाइस यहाँ मैंने आपको इसका भी एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ, तो इसका एक्सपीरियंस कर लो आपको ANC किस तरह का सुनने को मिलता है। ओके, तो गाइस मैं बाहर तो नहीं गया था बट मैं अपने टैब में ही नॉइस जो होता है आउटडोर का ये आपको सुनने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ANC ऑन है, और इसके बाद आप साउंड एक्सपीरियंस कर लो ANC में आपको किस तरह का देखने को मिलता है। ओके, ANC मोड एंबिएंट साउंड गाइस यहाँ पे अपने साउंड एक्सपीरियंस तो कर लिया, ANC भी आपको मैंने सुना दिया। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ का, क्योंकि साउंड के बाद बैटरी अच्छा होना चाहिए, ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे बोट के साथ आपको जो बैटरी देखने को मिलता है ये आपको 25 घंटे का देखने को मिलता है। अगर आप ANC ऑन रखते हो तो आपको 22 घंटे का बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ बैटरी एवरेज टाइप लगा है बोट का, और इसे आपको चार्ज करने में लगभग वही 1 घंटे के आसपास लग जाएंगे। यहाँ पे एक और फीचर दिया गया है फास्ट चार्जिंग का, अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करते हो तो आप इसे 5 घंटे तक यूज कर सकते हो, बट आपको मिनिमम वॉल्यूम सेट करना पड़ेगा 50%, देन जाकर आप इसे आराम से यूज करो 5 घंटे के लिए। अब गाइस यहाँ पे जो नॉइस का बैटरी लाइफ है ये काफी इंसेन होने वाला है। यहाँ पे आपको 100 घंटे का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है, और इसे आपको चार्ज करने में 1.5 घंटे तक लग जाएंगे, और इंस्टा चार्ज का भी ऑप्शन दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो यहाँ बैटरी इसका सबसे बड़ा USP है, जो बोट से डेफिनेटली नॉइस में काफी अच्छा है गाइस। ओके, अब गाइस यहाँ पे बिल्ड डिजाइन का बात करते हैं, तो दोनों का साइड बाय साइड यहाँ पे आपको कंपैरिजन मैं दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो बोट का बिल्ड है ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, एवरेज टाइप मुझे लगा है। इसका जो रबर का क्वालिटी है ये और जो नेकबैंड आते हैं उससे काफी अच्छा है, आपको बिल्कुल भी नेक पे हेवी फील नहीं होगा। बोट का जो बिल्ड है यहाँ पे आपको मेटल भी देखने को मिलता है, और प्लस में जो वायर का क्वालिटी ये सब भी काफी अच्छा है। और जो बर्ड्स है ये थोड़ा सा बड़ा बर्ड्स है एज कम्पेयर टू नॉइस। बोट में आपको कोई ईयर हुक भी देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप इसे
सपोर्ट के लिए यूज करोगे तो ये कान में से गिर सकता है। बट इसका डिजाइन थोड़ा सा अच्छा आपको लगेगा, इसमें ट्रांसपेरेंट दिया गया है तो ड्राइवर आपको दिखता है बट ये सिर्फ आपको दिखेगा, तो ये आपके लिए किया गया है। ओके, और थोड़ा सा बल्क सा डिजाइन मुझे लगा है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पहनोगे तो आपको कान में ये चुभने भी लगेगा। और इसका जो ईयर टिप्स है ये थोड़ा हार्ड मुझे लगा है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने कान में लगाते हो तो आपके कान दर्द कर सकते हैं। ओके, अब गाइस यहां बात करूं नॉइस का, तो नॉइस का जो बिल्ड है, ये जो रबर यहां पे दिया गया है ये मक्खन जैसा है, सच बता रहा हूं, काफी ज्यादा सॉफ्ट है गाइस। और यहां पर जो डिजाइन है ये भी काफी अच्छा बनाया गया है, इसे आप नेक में जैसे डालोगे तो ये परफेक्ट सेट हो जाता है। और प्लस में यहां पे जो वायर का क्वालिटी है ये सब भी काफी अच्छा है। अब गाइस यहाँ पे जो बड्स है, बड्स में आपको मेटल देखने को मिलता है तो ये काफी अच्छी बात है। नॉइस में आपको मैग्नेट लॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है जो काफी अच्छी बात है, और ये पूरा फुल्ली मेटल का है। और प्लस में ईयर हुक दिया गया है तो इसे आप स्पोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, रनिंग के समय भी यूज कर सकते हो। और प्लस में यहाँ बिल्ड वगैरह काफी अच्छा है, आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ बिल्ड दिया गया है। बोट में भी आपको यहाँ पे मैग्नेट लॉकिंग सिस्टम दिया गया है तो ये काफी अच्छी बात है, पेयर रहता है हमेशा जैसे आप इसे इस तरह से लॉक कर देते हो तो। ओके, अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी का, तो जब आप इसे कान में लगाओगे तो ये जो बोट का नेक बैंड है ये थोड़ा सा आपको हेवी फील होगा, और मेरे कान में फिट नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था बार बार कि ये गिर जाएगा। सच में इसका जो डिजाइन ये थोड़ा सा बल्की टाइप मुझे लगा है, और स्पोर्ट के लिए तो आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो, IPX4 के साथ आता है तो ये काफी एवरेज सा मुझे लगा। और यहाँ पे गाइस जो नॉइस का है इसमें आपको IPX4 देखने को मिलता है, और प्लस में इसमें ईयर हुक दिया गया है तो ये से आप कान में लगाओगे तो ये काफी अच्छे तरीके से फिट भी हो जाता है, तो आप इसे रनिंग के समय जिम के समय आराम से यूज कर सकते हो, ये गिरेगा नहीं, तो ये काफी अच्छी बात है यहाँ पे नॉइस के साथ। और गाइस यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा बटन फीचर का, तो यहाँ पे दोनों ही बटन का फीचर सेम ही दिया गया है, आप वॉल्यूम को आप रेज कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस हो गया, वॉल्यूम को आप बता ही दिया हूँ, वॉल्यूम रेज कर सकते हो। ओके, दोनों में बस आपको बोट में ANC का एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है जिससे आप इसे और भी कर सकते हो, इसे ANC ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे फाइनली कॉल क्वालिटी का, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल सैंपल रिकॉर्ड किया है, आप सुन लो, आपको यहाँ माइक क्वालिटी का एक्चुअल अंदाजा लग जाएगा। ओके, हाँ बद, मैं अभी एक नेकबैंड से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा आवाज कैसा आ रहा है तुम्हें? ओके, आवाज अच्छा आ रहा है, अभी मैं आउटडोर में हूँ और अभी एक हॉर्न भी बज रहा है, उसका भी आवाज आ रहा है क्या? नहीं, उसका आवाज तो नहीं आया मुझे, लेकिन तुम्हारा आवाज बहुत क्लियर आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, हाय अवध। हेलो, यस, मैं अभी एक दूसरे नेकबैंड से कॉल कर रहा हूँ, बोट का नेकबैंड है, इसका माइक क्वालिटी कैसा आ रहा है? इसका माइक क्वालिटी पिछले वाला जो जिससे तुमने किया था उससे ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। ओके ओके ओके, अभी एक हॉर्न भी बज रहा है पीछे, उसका भी आवाज आ रहा है कुछ? स्लाइटली सा आया था, उतना पता नहीं चला, लेकिन थोड़ा सा आया था। ओके ओके, आई होप गाइस आपको यहाँ माइक क्वालिटी से समझ में आ गया होगा कि दोनों का जो माइक है किस तरह से वर्क करता है और कितना बेटर है। तो गाइस यहाँ पे मुझे बोट का जो माइक क्वालिटी है ग्रेट है, और यहाँ पे जो नॉइस का माइक क्वालिटी है ये मुझे गुड टाइप लगा है, बट फिर भी और जो रीजन है उस हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है नॉइस ने। अब फाइनली गाइस बात करते हैं कंक्लूजन का, ये जो कंपैरिजन है आपको काफी अच्छा लगा होगा, ऐसे मैं आपको अब यहाँ फाइनल रिजल्ट देने वाला हूँ कि आपको इस दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो दो यहाँ पे मेन मुद्दा उठता है कि इस दोनों नेकबैंड में क्या USP है। तो गाइस जो नॉइस है इसमें आपको 100 घंटे का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, और जो यहाँ पे बोट है इसका जो USP है ये आपको यहाँ पे ANC देखने को मिलता है। तो मुझे यहाँ पे ANC एवरेज टाइप लगा है, थोड़ा और अच्छा ANC होता तो डेफिनेटली नॉइस को बोट बीट कर देता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मुझे देखने को मिला है, एवरेज टाइप यहाँ पे ANC दिया गया है। अब गाइस यहाँ पे जो बिल्ड है ये भी बोट से थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे नॉइस का है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस इस सारा फीचर को देखते हुए मुझे यहाँ पे नॉइस का नेकबैंड काफी अच्छा लगा है, तो इसे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, नॉइस एक्सट्रीम इसका नेम होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से, और गाइस आपको फिर भी ANC लेना है तो ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ओके, आई होप गाइस आपने यहाँ पे वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे, इस तरह का आपको कंपैरिजन देखने को मिला है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी हिट कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का। मिलते फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।